हेलो फ्रेंड्स, हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द सिंगल मॉम कॉन्स्पिरेसी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागती है, लेकिन तभी काली ड्रेस में एक लड़की आती है और उसे एक इंजेक्शन लगाकर पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद हम तीन लेडीज ग्रेस, क्रिस्टन और जैकलिन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई आपस में गप्पे लड़ा रही है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेस, जो कि मूवी की लीड कैरेक्टर में से एक है, उसका अभी अभी उसके हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ है और जिस रेस्टोरेंट में ये लोग फिलहाल बैठे हुए हैं वो उसके एक्स हस्बैंड का ही था, जो कि डाइवोर्स के बाद अब ग्रेस का हो गया है। ग्रेस अब अपनी बेटी चार्ली के साथ रहती है, लेकिन उसका एलेक्स नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि उसी के रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है और उससे 8 साल छोटा भी है। शाम को ग्रेस का बॉयफ्रेंड एलेक्स उसको ड्रॉप करने उसके घर आता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि अभी अभी डाइवोर्स होने के कारण ग्रेस नए घर में शिफ्ट हुई थी तो इस वजह से उसके घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है और कुछ भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, तो वो एलेक्स को मना कर देती है और घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाने के बाद ही उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहती है। इसके बाद जब एलेक्स ग्रेस को गुड बाय किस करता है तो कार में बैठी एक लड़की उन्हें देख रही होती है और ऐसा लगता है जैसे वो काफी दिनों से उन दोनों की एक्टिविटीज पर नजर रख रही हो। अंदर जाकर ग्रेस को पता चलता है कि उसकी बेटी चार्ली आज रात उसकी एक फ्रेंड के घर जाने वाली है, तो वो अपनी फ्रेंड क्रिस्टन को कॉल करती है जो कि उसके पड़ोस में ही रहती है और कहती है कि आज रात उसकी बेटी उसके किसी फ्रेंड के घर जाने वाली है, इसलिए आज रात वो रेड वाइन की एक बोतल खोलने के बारे में सोच रही है। वो ये भी कहती है कि मैं पीछे का दरवाजा खुला रखूंगी, तुम चाहो तो आ सकती हो। रात को जब ग्रेस चीज और स्नैक्स के साथ वाइन एंजॉय करती है तो उसको उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और वो बारिश हो जाने की वजह से आज रात उसके घर आने से मना कर देती है। एक बोतल खत्म करने के बाद जब ग्रेस दूसरी बोतल लेने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ पर वही काली ड्रेस वाली लड़की, जिसको मूवी के स्टार्टिंग में उस लड़की को मारते हुए दिखाया गया था, वही लड़की उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। डर के मारे ग्रेस के हाथ से वाइन की बोतल वहीं पर छूट जाती है और वो चिल्लाते हुए अपनी फ्रेंड क्रिस्टन के घर की तरफ भागती है। क्रिस्टन दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर ग्रेस उसे बताती है कि किसी ने उसके घर में घुसकर उस पर अटैक कर दिया है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उसके घर को चेक करती है, लेकिन उन्हें पूरे घर में कुछ भी नहीं मिलता। ग्रेस के घर पर सीसीटीवी कैमरा या कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा होता जिसकी मदद से वो उन हमलावरों के बारे में कुछ भी जान सके। इसके बाद जैकलिन भी वहाँ पर आ जाती है और उसे लगता है कि ये सब उसके एक्स हस्बैंड जेम्स ने किया है, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स बताते हैं कि वो अपने घर पर ही था और उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। वो ग्रेस को सलाह देते हैं कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है और इतने बड़े घर में तुम्हें सिक्योरिटी सिस्टम जरूर लगाना चाहिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैकलिन ग्रेस को कहती है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने से तुम उन हमलावरों को दोबारा तुम्हारे घर में आने से रोक नहीं सकती, मेरे हिसाब से तुम्हें एक रूम को रेंट पर दे देना चाहिए, जिसके लिए ग्रेस भी मान जाती है। अगले दिन ग्रेस अपने रेस्टोरेंट में बैठी हुई कुछ मेल्स वगैरह भेज रही होती है तो तभी लिलित नाम की एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी ग्रेस को जैकलिन की कॉल आ जाती है। दरअसल लिलित को जैकलिन ने ही यहाँ पर भेजा था। लिलित ग्रेस को बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ रेंट पर रहती है, लेकिन उसका उसके रूममेट्स के साथ झगड़ा हो गया है, जिस वजह से वो रूम चेंज करना चाहती है। लिलित के साथ बात करने से ग्रेस को लिलित एक अच्छी लड़की लगती है और वो उसको अगले दिन रूम दिखाने के लिए कहती है, लेकिन लिलित कहती है कि उसे थोड़ी अर्जेंसी है, वो एक होटल में रुकी हुई है और आज रात ही रूम देखना चाहती है। ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के पास जाकर उसे कहती है कि मैं इस लड़की को रूम दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ, तो तुम रेस्टोरेंट का अच्छे से ख्याल रखना। जब ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तो लिलित अपना फोन निकालकर ग्रेस के लाइसेंस का फोटो ले लेती है।
घर जाते हुए ग्रेस ललित से पूछती है कि तुम जैकलिन को कैसे जानती हो, जिस पर ललित कहती है कि वो एक इंटीरियर डिजाइनर है और उसने जैकलिन के बच्चे का रूम डिजाइन किया था। इसके बाद ग्रेस ललित को उसका रूम दिखाती है और ललित को वो रूम पसंद आ जाता है। रूम से बाहर आने पर ललित ग्रेस से बाथरूम के बारे में पूछती है तो ग्रेस उसे बाथरूम का रास्ता बताकर दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन ललित बाथरूम में जाने की बजाय चुपके से ग्रेस के रूम में चली जाती है और वहां पर चीजों को नोटिस करने लगती है। वो ग्रेस का परफ्यूम उठाती है और उसे स्मेल करने के बाद अपने पर्स में रख लेती है। जब वो बाहर आती है तो ग्रेस और उसकी बेटी चार्ली में बाहर घूमने को लेकर बहस चल रही होती है। इसके बाद ललित रूम को रेंट पर लेने के लिए रेडी हो जाती है और ग्रेस को उसके रेफरेंस चेक करने के लिए कहती है, लेकिन ग्रेस को लगता है कि ललित उसकी फ्रेंड जैकलिन के रेफरेंस से उसके पास आई है तो वो ललित के रेफरेंस को चेक करने की कोई खास जरूरत नहीं समझती। अगले दिन ललित ग्रेस के घर शिफ्ट हो जाती है, जिस वजह से ललित और चार्ली दोनों मिलकर चार्ली का सामान उस रूम से बाहर निकालती है, जबकि बाहर ग्रेस एलेक्स से बिजनेस के सिलसिले में फोन पर बात कर रही होती है। चार्ली जब एक बॉक्स को खोलती है तो उस बॉक्स के ऊपर जमी धूल की वजह से चार्ली को अस्थमा अटैक आ जाता है। अटैक काफी तेज होता है, जिस वजह से ललित चार्ली से उसके इनहेलर के बारे में पूछती है। चार्ली बाथरूम की तरफ इशारा करके बाथरूम में चेक करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ग्रेस की नजर अभी तक भी चार्ली के ऊपर नहीं जाती और वो अब भी अपने फोन पर ही बिजी होती है। जब ललित बाथरूम में जाती है तो वो इनहेलर को चार्ली को देने की बजाय उसे अपने पास ही छुपा लेती है, का मतलब चार्ली को इनहेलर ना देकर वो चाहती थी कि चार्ली को इनहेलर ना मिले और वो दम घुटने की वजह से मर जाए। इसी बीच ग्रेस जो कि बाहर फोन पर बात कर रही थी वो चार्ली को खांसते हुए देख लेती है और तुरंत भागकर जल्दी से अंदर आती है। वहां पर रखे बॉक्सेस में से वो एक प्लास्टिक बॉक्स को ओपन करके उसमें से एक इनहेलर निकालती है और जल्दी से चार्ली के मुंह में इनहेलर से स्प्रे करती है, जिससे चार्ली को होश आ जाता है। चार्ली अपनी मॉम से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मॉम कोई बिजनेस रिलेटेड बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स से बात करने में मशगूल थी और उसकी मॉम एलेक्स में इतना खोई रहती है कि उसको चार्ली की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। अब यहाँ पर ललित मौके का फायदा उठाकर ग्रेस को हग करके कंसोल करने की कोशिश करती है और वो ग्रेस को बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव होने का दिखावा करती है। अगले दिन ग्रेस, ललित और एलेक्स तीनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर ललित ग्रेस को कुछ ड्रॉइंग्स दिखाती है जो कि ग्रेस को काफी पसंद आती है। वो ललित को उन ड्रॉइंग्स को स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए कहती है, जिस पर ललित कहती है कि मेरे पास तो कोई लैपटॉप नहीं है जिससे मैं इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकूं। जिस पर ग्रेस उससे कहती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है जिससे मैं बस ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ही करती हूँ, तुम उसे यूज कर सकती हो, और वो ललित को उस लैपटॉप का पासवर्ड भी बता देती है। अब रात को ग्रेस और एलेक्स किचन में इंटीमेट होते हैं तो ललित अपने रूम से उनको इंटीमेट होते हुए देखती रहती है और उसको ऐसा करते हुए ग्रेस की फ्रेंड क्रिस्टीन जो कि उनकी पड़ोसी है वो भी देख लेती है और उसको ये थोड़ा वियर्ड लगता है। अगले दिन जब ग्रेस अपने रेस्टोरेंट जा रही होती है तो क्रिस्टीन उसको कॉल करके बताती है कि कल रात जब तुम दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो ललित तुम्हें विंडो से देख रही थी, लेकिन ग्रेस इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती तो क्रिस्टीन उसे वार्न करती है कि ललित एक स्ट्रेंजर है और तुम उस पर इतना भरोसा करके हमारी कम्युनिटी के लिए मुसीबतों का रास्ता खोल रही हो। पर ग्रेस को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फोन कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ललित कचरे को फेंकने के लिए डस्टबिन के पास जाती है, जहां पर क्रिस्टीन पहले से ही मौजूद थी और पौधों की कटिंग कर रही थी। क्रिस्टीन उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से आजकल ग्रेस कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है और वो मुश्किल से ही दिखाई देती है। मैंने होम एसोसिएशन से बात कर ली है, ग्रेस तुम्हें कोई भी रूम रेंट पर नहीं दे सकती क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। इस बात पर ललित गुस्से में क्रिस्टीन की तरफ बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम मेरे और ग्रेस के मामलों में टांग मत अड़ाओ, तुम मुझसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगले दिन एलेक्स, ग्रेस और ललित ये तीनों रेस्टोरेंट में ऑनलाइन रिव्यूज और ऑर्डर्स चेक कर रहे होते हैं तो एलेक्स ग्रेस से पूछता है कि वाइन की चार बोतल्स मिसिंग है, क्या तुमने वाइन काउंटर से चार बोतल्स निकाली हैं? तो ग्रेस एलेक्स को मना कर देती है कि नहीं, मैंने कोई बोतल नहीं निकाली।
अब ग्रेस लिलिथ को वार्न करते हुए कहती है कि ये चोरी सिर्फ 4 बोतल्स की है, लेकिन फिर भी हमें अपने पीआर पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब लिलिथ लैपटॉप लेने के लिए घर जाती है तो ग्रेस उसे रास्ते से चार्ली को पिक करके घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। घर पहुंचने पर चार्ली अपना बैग कार में ही छोड़कर अंदर चली जाती है तो लिलिथ मौका देखकर वाइन की बोतल्स को चार्ली के बैग में रख देती है। दरअसल उन बोतल्स को लिलिथ ने ही चुराई थी ताकि वो चार्ली और उसकी मॉम के बीच में लड़ाई करवा सके। अंदर आकर लिलिथ आराम से ग्रेस के बैग को टेबल पर रख देती है, तभी उसकी नजर वहां पर रखे एक नोटिस पर पड़ती है जो होम एसोसिएशन की तरफ से आया था। उस लेटर में एसोसिएशन के रूल्स को वायोलेट करने के लिए लिलिथ को 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रेमिसेस को खाली करने के लिए कहा गया था। उस लेटर को पढ़कर लिलिथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस लेटर को अपने पास ही रख लेती है, जिससे कि ग्रेस को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। दूसरी तरफ ग्रेस और एलेक्स डिनर डेट के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें जैकलिन मिलती है। एलेक्स उन दोनों को छोड़कर कार लेने के लिए चला जाता है तो ग्रेस जैकलिन को बोतल्स की चोरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि रेस्टोरेंट के बंद होने के बावजूद पता नहीं कैसे वो बोतल्स चोरी हो गई, जिस पर जैकलिन उससे पूछती है कि क्या तुमने लिलिथ के रेफरेंसेस चेक किए थे। वो ये भी बताती है कि उसके कुछ रेफरेंसेस कैची थे जिनको किसी ने भी चेक नहीं किया। ग्रेस कहती है कि मुझे लगा वो तुम्हारी फ्रेंड है तो तुमने उसके रेफरेंस चेक किए ही होंगे, और वैसे भी पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करती है और वो मेरी लाइफ को वापस से ट्रैक पर ले आई है। लेकिन जैकलिन कहती है कि वो मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, उसने तो बस मेरे बच्चे का रूम रीइन्वेंट किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन बाथरूम में फोन पर किसी से बात कर रही है, लेकिन तभी वहां पर लिलिथ आ जाती है और उस पर काफी जोर से एक हैमर से अटैक कर देती है। अटैक इतना तेज होता है कि क्रिस्टीन 3-4 बार रोटेट करके बाथटब में गिर जाती है और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद ग्रेस और लिलिथ दोनों किचन में होते हैं और ग्रेस लिलिथ से उसके पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में पूछती है, क्योंकि उसने अब लिलिथ को अपने पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए हायर कर लिया था। वो दोनों अभी डिस्कस कर ही रही होती है कि तभी वहां पर चार्ली आती है और अपने बैग के बारे में पूछती है। वो अपनी फ्रेंड वैनेसा के घर पूल पार्टी करने के लिए जा रही थी। लिलिथ इशारा करके चार्ली को उसके बैग के बारे में बताती है और जैसे ही चार्ली बैग को उठाती है तो उसमें से बोतल्स की आवाज आती है। ग्रेस जब उसके बैग को चेक करती है तो उसमें से वही वाइन की बोतल्स निकलती है जो कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट से चोरी हो गई थी। ग्रेस उन बोतल्स को देखकर शॉक हो जाती है। चार्ली अपनी मॉम से कहती है कि मुझे नहीं पता ये बोतल्स मेरे बैग में कैसे आई, क्योंकि असलियत में तो उन बोतल्स को लिलिथ ने उसके बैग में रखा था। लेकिन चार्ली की मॉम को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उसका फोन लेकर उसे कहीं भी जाने से मना कर देती है। चार्ली अपनी मॉम से नाराज होकर गुस्से में वहां से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद ग्रेस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने अगले 2-3 दिन के सारे अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल कर देती है और रेस्टोरेंट की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स को दे देती है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लेकर अपना पूरा टाइम अपनी बेटी चार्ली के साथ स्पेंड करना चाहती थी। काम से ब्रेक लेकर ग्रेस अब अपना क्वालिटी टाइम चार्ली के साथ स्पेंड करती है, जिससे उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं और वो दोनों फिर से खुश हो जाती हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और जब ग्रेस दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां पर पुलिस खड़ी हुई है। दूसरी तरफ लिलिथ को लगता है कि शायद पुलिस क्रिस्टीन का मर्डर करने के लिए उसको अरेस्ट करने आई है, इसलिए वो जानने के लिए अपने पीछे एक गन छुपाकर धीरे धीरे दरवाजे तक आती है। लेकिन पुलिस उन्हें इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी फ्रेंड क्रिस्टीन का उसके घर पर किसी ने मर्डर कर दिया है और उसके घर की तरफ जो कैमरा तुम्हारे घर पर लगा हुआ है हम उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहते हैं। क्रिस्टीन की मौत की खबर सुनकर ग्रेस काफी शॉक हो जाती है और वो उनकी ईमेल आईडी लेकर सीसीटीवी फुटेज ईमेल करने के लिए कहती है। अब अगले दिन ग्रेस सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करती है लेकिन उसे वो ऑफ कंडीशन में मिलता है। वो चार्ली से पूछती है कि क्या तुमने सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ किया था, लेकिन चार्ली मना करते हुए कहती है कि मैं भला सिक्योरिटी सिस्टम को क्यों ऑफ करूंगी। लिलिथ ग्रेस से कहती है कि शायद वो अपने आप बंद हो गया होगा, वैसे भी इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कोई भरोसा नहीं होता,
ये कभी भी खराब हो सकते हैं। अगले दिन ग्रेस अपने फ्रेंड जैकलिन के साथ वॉक पर जाती है तो वो उसको सिक्योरिटी कैमरे वाली बात बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड तुम्हारे अलावा किस किस के पास है। तो ग्रेस बताती है कि लिलिथ के पास उसके फोन का पासवर्ड है और उसने सिक्योरिटी सिस्टम में भी सेम वही पासवर्ड डाल रखा है। वो जैकलिन से लिलिथ के रेफरेंसेस की लिस्ट के बारे में पूछती है तो जैकलिन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके लिलिथ के रेफरेंसेस वाली लिस्ट के फोटो को सेंड करने के लिए कहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिलिथ उनकी ये बातें सुन लेती है और अब उसको जैकलिन भी अपने लिए एक खतरा लगने लगती है। रात को जैकलिन को उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जो फोटो तुमने भेजा था वो लिलिथ जोन्स का नहीं था, क्योंकि लिलिथ जोन्स के बाल सुनहरे और नीली आंखें थी। वो जैकलिन से ये भी कहती है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए क्योंकि पहचान की चोरी भी एक मेजर क्राइम है। इसके बाद जैकलिन तुरंत ही ग्रेस को कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका फोन ग्रेस की जगह लिलिथ उठाती है और वो बात करते करते जैकलिन के पास आ जाती है। अब जैकलिन लिलिथ को पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, लेकिन लिलिथ जैकलिन के ऊपर एक डंडे से अटैक कर देती है और उसे सीरियसली इंजर्ड कर देती है। अगले दिन ग्रेस का बर्थडे होता है और वो एलेक्स के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी के बारे में प्लान कर रही होती है। वो पूरे दिन कहीं घूमने और रात को रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान करते हैं। शाम को जब चार्ली रेस्टोरेंट जा रही होती है तो वहाँ पर रास्ते में उसे लिलिथ मिलती है। वो चार्ली को बुली करके उसे उसके डैड को भी इस पार्टी में बुलाने के लिए कहती है। चार्ली को ना चाहते हुए भी अपने डैड को पार्टी में इनवाइट करना पड़ता है। वो अपने डैड से कहती है कि मॉम ने आपको पार्टी से पहले घर पर बुलाया है। वो रोते हुए लिलिथ से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो लिलिथ उसे बताती है कि उसे हैप्पी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करने में मजा आता है और उसे ये सब एक गेम की तरह लगता है। इसके बाद वो चार्ली को घर ले जाती है और उसे ओवन के जैसे दिखने वाले एक इंस्ट्रूमेंट में बंद करके उसका टेम्परेचर हाई कर देती है और उसकी टाइमिंग को इंक्रीज कर देती है। जब चार्ली के डैड जेम्स वहां पर आते हैं तो वो उसे भी गन पॉइंट पर लेकर चार्ली के पास ले जाती है और उसका सेल फोन लेकर ग्रेस को वीडियो कॉल करती है। ग्रेस जो कि अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ होती है, वो उन दोनों को उस ओवन में देखकर तुरंत समझ जाती है और एलेक्स को कार वापस घर की तरफ मोड़ने के लिए कहती है। उधर काफी देर से ओवन में बंद होने की वजह से चार्ली का दम घुटने लगता है और वो जल्द ही बेहोश होने वाली होती है। जब ग्रेस घर पहुंचती है तो वो देखती है कि लिलिथ ने उसके एक्स हस्बैंड जेम्स को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। ग्रेस लिलिथ से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जेम्स और चार्ली दोनों को छोड़ दो। लेकिन लिलिथ कहती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि एलेक्स चाहिए। वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार मेरे भाई की मुझे छोड़कर जाने की जो कहानी सुनाई थी वो सच थी और एलेक्स मेरा वही भाई है जो मुझे छोड़कर चला गया था। एक्चुअली में हम दोनों को ये खेल खेलने में बहुत मजा आता है। अब कल एलेक्स यहाँ आएगा और गवाही देगा कि तुम पागल थी और तुम तीनों ने सुसाइड किया है और किसी को भी तुम्हारे मर्डर के बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी जेम्स लिलिथ के हाथ को ऊपर की तरफ करता है और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। इसके बाद उन चारों के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें जेम्स और ग्रेस उन दोनों को किसी तरह से बेहोश कर देते हैं। फिर ग्रेस जल्दी से भागकर इनहेलर ढूंढती है और जेम्स पुलिस को कॉल करता है। जब ग्रेस चार्ली के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो बेहोश हो गई है। वो जल्दी से उसके मुंह में इनहेलर से स्प्रे करती है और काफी देर बाद चार्ली को फाइनली होश आ जाता है। तब तक पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन उनको एलेक्स और लिलिथ दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं मिलता। अब कुछ दिनों बाद जैकलिन भी ठीक हो जाती है और ग्रेस अपनी बेस्ट फ्रेंड जैकलिन से मिलकर बहुत खुश होती है और अब उसके और जेम्स के बीच की रिलेशनशिप भी फिर से ठीक हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स फिर से किसी दूसरी लेडी के साथ होता है और लिलिथ उन दोनों को सीक्रेटली फॉलो कर रही होती है, जिसका मतलब है कि अब वो ग्रेस और जेम्स की तरह ही किसी और फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी इंटरेस्टिंग क्लिफ एंगल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। बाकी जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू सो मच।